हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला दृष्टि में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना केमिस्ट्री ट्वेल्थ क्लास के लिए सीबीएसई बैच का सॉल्यूशन चैप्टर, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो 11th में भी आप लोग आइडियल गैस के बारे में पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को कि आइडियल गैस हम लोग किसको बोले थे, जो सारे कंडीशंस में गैस लॉ को फॉलो करता है। गैस लॉ कहने का मतलब है जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इन सारी चीज़ों को जो गैस फॉलो करता है किसी भी कंडीशंस में, उसको हम लोगों ने नाम दिया था आइडियल गैसेस। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सारा गैस इन सारे लॉज को फॉलो ही करे। तो जो इस गैस लॉ को फॉलो नहीं किया था उसको हम लोग बोले थे नॉन आइडियल गैसेस, है ना। तो यहाँ भी हम लोग उसी तरीके से बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस की एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, है ना। तो जिस तरीके से वहाँ गैस ला 11th में गैस के बारे में पढ़ते थे तो गैस ला की बात करते थे, लेकिन यहाँ आइडियल अगर हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग रॉल्स ला की बात करेंगे। तो आप लोगों को मालूम है, पहले ही हम लोग पहले भी आपके वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रॉल्स ला क्या होता है, है ना। जब हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके अगर कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर किस तरीके से, है ना, ज़्यादा या कम होता है या जितना होना चाहिए, अगर उतना होता है तब हम लोग उसको बोले थे क्या, रॉल्स लॉ। तो उसी रॉल्स लॉ का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे आइडियल सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले बात करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करें आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जरा से हम लोग पहले समझ लेंगे, थोड़ा सा इसको ना डिस्क्राइब कर देते हैं। आइडियल का मतलब, आइडियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जो किसी भी कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना उसका वेपर प्रेशर होना चाहिए अगर उतना हो जाता है तब हम लोग उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और उससे अगर ज़्यादा या कम हो जाता है तो उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कैसे होता है, है ना, क्यों आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है जितना होना चाहिए वो क्यों रॉल्स लॉ को फॉलो करता है और नॉन आइडियल में ये रूल फॉलो क्यों नहीं करता है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको एकदम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। ये मान लिया कोई एक कंटेनर हमने लिया है, है ना, और ये दूसरा कंटेनर हमने लिया है। इस कंटेनर में, इस बर्तन में मान लिया कि कोई एक प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड जिसको हम लोग नाम ए दे देते हैं, इसमें ए रखा हुआ है। इसको बढ़िया से समझना है, क्योंकि अगर दो लाइन तीन लाइन जो बता रहे हैं अगर ये समझ में आ गया तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा आइडियल एंड नॉन आइडियल का। तो मान लिया कि इसमें कोई, इस कंटेनर में कोई लिक्विड रखा हुआ प्योर जिसको हमने नाम ए दे दिया। तो जब ए है तो इसका मतलब इसमें ए का ही मॉलिक्यूल्स होगा, देख लीजिए ऐसे करके हमने बनाया। और दूसरा कंटेनर जो ले रहे हैं हम, यहाँ पे कोई दूसरा प्योर लिक्विड भी रखा हुआ है, दोनों प्योर है। प्योर का मतलब कि किसी भी दूसरी चीज़ का इसमें मिलावट नहीं, मिक्स नहीं है। तो ये यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होगा वो किसका होगा, सिर्फ बी का ही होगा। बी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इधर उधर घूमते रहेंगे जहाँ तहाँ, देख लीजिए सब बी का, ए का मॉलिक्यूल इधर, बी का मॉलिक्यूल है। और जब हम ये दोनों को मिक्स कर देंगे, देख लीजिए जब ये दोनों को हम मिक्स करेंगे तब जो है जाकर के, अभी बताइए ये क्या था, प्योर था, ये भी प्योर था, लेकिन अब दोनों को हमने जब मिला दिया तो ये बन गया सॉल्यूशन। क्या बन गया, सॉल्यूशन। मतलब ये सॉल्यूशन जो बना है ए और बी के मिलने से बना है, अब ये प्योर नहीं रहा। अब देखिए क्या क्या चीज़ होता है, जब हम ए को, मान लिया इसका वॉल्यूम है वी वन, है ना, मान लिया इसका वॉल्यूम कितना है, वी वन है। इसका वॉल्यूम कितना था, मान लिया वी टू है। तो सबको पता है कि जब हम लोग दोनों को मिक्स करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, वी वन प्लस वी टू। तो वी वन प्लस जो वी टू है, हम ऐसा करते हैं इसको मान लेते हैं ये वी फाइनल है, फाइनल का मतलब ये सॉल्यूशन का है, वी फाइनल इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा अभी तक तो हम लोग यही सोचते आए कि भाई ये अगर 1 लीटर है, ये भी अगर 1 लीटर है, दोनों को मिला देंगे तो 2 लीटर हो जाएगा,
सबके दिमाग में यही बात आता है कि जब हम लोग किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके अगर कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो सॉल्यूशंस का वॉल्यूम होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के इक्वल होता है। अगर इक्वल नहीं हो जाता तो हम लोग उसको आइडियल बोल देते, तो फिर नॉन आइडियल का कंडीशंस कहाँ से आता है ना। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जब हम लोग किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ मिक्स करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। अब कैसे होता है यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्यों होता है। मेन कारण तो यहाँ पे जानना है, मेन कॉज तो ये जानना है कि आखिर वॉल्यूम क्यों चेंज होता है। तो चलिए उसको हम लोग बिल्कुल अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसलिए वॉल्यूम चेंज होता है कि देखिए जब ये ए था, जब हमने इसमें इस कंटेनर में सिर्फ एक के मॉलिक्यूल्स को हमने रखा प्योर फॉर्म में, तो यहाँ जो भी इंटरेक्शन फोर्स लग रहा था, क्योंकि दूसरा तो और है ही नहीं, तो यहाँ जो भी जो फोर्स लग रहा है, इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है, वो किसके किसके बीच लग रहा है। ए ए के बीच लग रहा है, ए ए को पकड़े हुए, ए ए को पकड़े हुए, ये सब ए ए ए, सब ए ए ए का मॉलिक्यूल है। और इसमें जो इंटरेक्शन फोर्सेस लग रहे हैं वो सब किसके हैं, बी और बी के बीच में लग रहे हैं। कोई आदर्श तो है ही नहीं, तो बी बी के मॉलिक्यूल्स को ही खींच करके रखे हुए हैं, है ना। लेकिन यहाँ जो इंटरेक्शन लगेगा, आप दोनों मिक्स हो चुका है, तो यहाँ जो इंटरेक्शन लग रहा है बताओ ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहे हैं या एटम्स के बीच में लग रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब आइए हम लोग जरा बात समझते हैं, जब ए और बी कैसे बनेगा। ए और बी के बनने के लिए पहले तो भाई इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। ए और ए के मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा, है ना। बी और बी के मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अब सोचिए ए और ए के बीच में जो इंट्रैक्शन है उसको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड होगा, है ना। जब तक हम लोग हीट इसको नहीं देंगे, ये हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तब तक ये दोनों के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा। इन द सेम वे जब तक हम लोग इसको भी हीट नहीं देंगे, तब तक ये, है ना, ये दोनों के बीच का बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इंट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए यहाँ भी हीट एब्जॉर्ब होगा, यहाँ भी हीट एब्जॉर्ब होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, ये न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ भी बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन यहाँ नया बॉन्ड बन रहा है। तो आपको मालूम है कि नया बॉन्ड जब बनता है तो हीट क्या होता है, रिलीज होता है, क्योंकि अपने आप को स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, हीट रिलीज हो रहा है, देख लीजिए हीट रिलीज्ड हो रहा है, हीट इज रिलीज्ड। अब बात समझिए, अगर सॉल्यूशन आइडियल आपको जानना है तो सॉल्यूशन आइडियल तब होगा जितना हीट यहाँ एब्जॉर्ब हुआ और जितना हीट यहाँ एब्जॉर्ब हुआ, अगर ये दोनों का जो वैल्यू है, है ना, उसके इसके वैल्यू के अगर इक्वल हो जाएगा, जितना हीट एब्जॉर्ब हो और उतना ही हीट अगर रिलीज हो जाए, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये पूरे प्रोसेस को होने में कहीं कोई हीट में चेंजिंग नहीं हुआ है। और जब हीट में चेंजिंग नहीं हुआ है तो आपको पता है ना, जब हीट में चेंजिंग नहीं होगा तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि मालूम है अगर हीट ज़्यादा हो गया, जितना हीट हमने दिया उतना हीट रिलीज नहीं हो पाया, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर हीट कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब रह गया। और आपको मालूम है कि जब कोई सब्सटेंस जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम एक्सपेंड ही कर ही जाता है, वॉल्यूम उसका बढ़ेगा ही, फैल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है ना, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, है ना। बात समझ में आ गया, फिर से एक बार सुन लीजिए, मेन यही पॉइंट है और इसी पॉइंट से हम लोग ढेर सारे पॉइंट्स यहाँ पे बनाएंगे और तब जो आपको समझ में आएगा कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो फिर कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है दोनों में डिफरेंस क्या हो, तो हम लोग डिफरेंस इजी वे में बता सकते हैं, बस एक कॉन्सेप्ट बस समझ में आ जाना चाहिए। इसमें हम लोग चार पांच पॉइंट्स निकालेंगे इससे। तो चलिए फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, देख लिए इंट्रैक्शन फोर्सेस, वो सिर्फ और सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहे हैं, बिकॉज हियर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए इज इन द प्योर फॉर्म एंड हियर द मॉलिक्यूल्स ऑफ बी इज ऑल्सो इन द प्योर फॉर्म, कोई दूसरा मिक्स नहीं है इसमें, कोई दूसरा सब्सटेंसेस नहीं है। तो ए के मॉलिक्यूल्स प्योर फॉर्म में है, बी के मॉलिक्यूल्स भी प्योर फॉर्म में, इसलिए फोर्सेस जो है वो बी बी के बीच में लग रहे हैं, यहाँ ए ए के बीच में लग रहे हैं। इतना बात समझ में आया। अब ये हम जो सॉल्यूशन बनाए हैं, देखो दोनों को मिक्स करके ये ए और बी के बीच का सॉल्यूशन बना, देख लीजिए ए और बी जब दोनों मिक्स हुआ है तब जा करके सॉल्यूशन बना, इसका मतलब जो सॉल्यूशन बना है उसमें इंट्रैक्शन ए और बी के बीच में आ रहा है। तो अब हम लोग को जानना क्या है, जरा सा देखेंगे।
ए और ए के बीच के बॉन्ड को जब तक आप नहीं तोड़ेंगे, बी और बी के बीच के बॉन्ड को मतलब इंट्रैक्शन को जब तक आप नहीं तोड़ेंगे, तब तक ए और बी एक दूसरे से कैसे जुटेगा। यानी कि ए और बी को कनेक्ट करने के लिए आपको बी बी के बीच जो कनेक्शन है उसको तोड़ना ही पड़ेगा, ए ए के बीच जो कनेक्शन उसको तोड़ना ही पड़ेगा। हमने क्या कहा कि तोड़ना है, ब्रेक करना है। आपको सबको मालूम है कि किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट देना पड़ता है, मतलब इसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट देंगे, यहाँ भी हीट देंगे, तभी तो बॉन्ड ब्रेक होगा, इंट्रैक्शन टूटेगा। तो यहाँ पे हीट दे रहे हैं, यहाँ पे भी हीट दे रहे हैं, लेकिन जो फाइनल जो बन रहा है ये इंट्रैक्शन ए और बी के बीच में ये बन रहा है, आपको मालूम है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इंट्रैक्शन, नया इंट्रैक्शन बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो जब कोई एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, सबको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो हीट रिलीज होता है। तो यहाँ पे हीट रिलीज होता है, क्यों होता है भाई, क्योंकि अपने आप को स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है जब न्यू बॉन्ड बन रहा है। अब खुद सोचिए, जितना हीट यहाँ दिया, जितना हीट यहाँ दिया, अगर ये दोनों का वैल्यू है ना, अगर इस जो रिलीज हुआ उसके वैल्यू का अगर इक्वल हो जाएगा, हीट रिलीज इक्वल टू हीट गेन, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तब तो हम समझ जाएंगे सोल्यूशन आइडियल है। सोल्यूशन आइडियल है क्योंकि उसमें हीट कहीं रहा ही नहीं, जितना दिया था उतना बराबर हो गया, निकल गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जितना हीट हमने यहाँ पे दिया उतना हीट रिलीज नहीं हो पाया, उतना हीट रिलीज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कुछ हीट जो है ना इस सॉल्यूशंस में ही रह गया एब्जॉर्ब होकर के। अब खुद बताइए, जब हीट इस सॉल्यूशन के अंदर एब्जॉर्ब होकर रह जाएगा तो हीट की वजह से मॉलिक्यूल एक्सपेंड होगा, फैलेगा, और जब मॉलिक्यूल एक्सपेंड होता है तब हम लोग बोलते हैं कि भाई उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। तो जितना हम लोग सोच के रखे थे उतना वॉल्यूम नहीं होगा, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। और वैसे कंडीशंस में जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है तब हम वैसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहते, वैसे सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरी बात, अगर हो सकता है जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ मतलब जो हमने दिया उससे ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज हो जाए बॉन्ड बनने के क्रम में, तब क्या होगा कि इसका मतलब है कि ज़्यादा हीट कहाँ से निकालेगा, सॉल्यूशन से ही निकाला है। तो सॉल्यूशंस के अंदर हीट क्या हो गया, एंथैल्पी कम गया, हीट का ही दूसरा नाम एंथैल्पी है। तो सॉल्यूशंस का जो एंथैल्पी है वो डिक्रीज कर गया, घट गया। तो जब सॉल्यूशन का एंथैल्पी घट जाएगा मतलब ये ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा होने के क्रम में क्या होता है, थोड़ा सा ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है, वैसे कंडीशंस में इसका वॉल्यूम घट जाता है। और अगर जितना वॉल्यूम होना चाहिए उससे अगर थोड़ा सा भी वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर जाता है तब भी हम लोग उसको बोलेंगे कि ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो बच्चों आज हम लोग इसी बात पर डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आखिर आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। तो चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन, द टाइप ऑफ सॉल्यूशन है ना, लिख देते हैं यहां पे, द टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच फॉलोज द रॉल्स लॉ at any concentration is called ideal solution. The type of solution which follows the Rawls law at any concentration is called ideal solution. वैसा सॉल्यूशन जो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को फॉलो करता है ना, रॉल्स लॉ कहने का मतलब जितना वैल्यू होना चाहिए अगर उतना ही अगर होता है तब वैसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और तो ये पूरा चीज़ आपको समझ में आ गया है, इसको हम मिटा रहे हैं, एक बार देख लेंगे इसको। तो ये सारे कॉन्सेंट्रेशन पे अगर ये रॉल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करता है कोई भी सॉल्यूशन तब हम लोग उसको आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और याद रखना है जो सॉल्यूशन आइडियल होता है उसका वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग उतना ही होता है, मतलब ना उससे ज़्यादा होता है और ना उससे कम होता है। तो भी बात हम यहाँ पे लिख देते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन
आइडियल सॉल्यूशन इज ऑलवेज ऑलवेज इक्वल टू द ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ. रॉल्स लॉ मतलब रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना वेपर प्रेशर का वैल्यू होना चाहिए हमेशा उतना ही इक्वल होता है, मतलब उससे ना तो ज़्यादा होता है और ना ही कम होता है. तो ये चीज़ हम आपको लिखा दिए कि आइडियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे, वैसे सॉल्यूशन को कहेंगे जो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को फॉलो करे. और रॉल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब उसका वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए अगर उतना उसकी इक्वल हो जाता है तब वैसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं. तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन का दो चार को एग्जाम्पल. तो चलिए आपको बता दें, नेचर में हम लोग ज़्यादातर जो सॉल्यूशन देखते हैं वो आइडियल नहीं होते. हम लोग सोचते हैं कि भाई चीनी पानी मतलब शुगर और वाटर का जो घोल है वो भी आइडियल है, बिल्कुल नहीं. एसीटोन क्लोरोफॉर्म का जो घोल है वो आइडियल है, नहीं. तो हम आपको बता दें कि आइडियल सॉल्यूशंस बनाते हैं. देखिए आइडियल सॉल्यूशन बनाना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है. आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है दोनों का जो नेचर है ना वो लगभग सेम होना चाहिए. दोनों का नेचर अगर मिलता जुलता है तब ज़्यादातर चांसेस होता है कि सॉल्यूशन आइडियल होगा. तो ज़्यादातर नेचर सेम होने का मतलब जैसे हो गया बेंजीन एंड टोलुइन ये दोनों का जो मिक्सचर होगा इसमें ज़्यादातर चांसेस रहता है कि सॉल्यूशन आइडियल बनेगा. दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लें आइडियल सॉल्यूशन का, है ना, एग्जांपल दूसरा अगर हम लोग लें जैसे ले सकते हैं हेप्टेन एंड हेक्सेन इसका दूसरा एग्जांपल हो गया. और भी एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं क्लोरोमीथेन एंड ब्रोमोमीथेन. क्लोरोमीथेन एंड ब्रोमोमीथेन ये दोनों को भी अगर आप हम लोग मिक्स करेंगे, देखिए दोनों का नेचर सेम है, क्लोरोमीथेन ब्रोमोमीथेन दोनों का नेचर लगभग मिलता जुलता है, इसलिए जब दोनों को हम लोग मिक्स करके अगर कोई सोल्यूशन बनाएंगे तो ज़्यादातर चांस रहेगा कि ये सोल्यूशन आइडियल होता है. लेकिन आइडियल तो समझ में आ गया कि जो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को फॉलो करता है. तो ये सब जो देखा गया एक्सपेरिमेंट करके कि हेप्टेन और हेक्सेन को मिक्स किया जाता है तो इसका वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए उतना ही होता है ना. बेंजीन और टोलुइन को भी उसी तरीके से आइडियल हम लोग बना सकते हैं. क्लोरोमीथेन और ब्रोमोमीथेन को एक साथ मिक्स करके भी हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं. बट अगर कोई सॉल्यूशन इस लॉ को फॉलो नहीं करता है ना, इस रूल को फॉलो नहीं करता है, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी हम लोग देख लेते हैं. नेक्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे, सीधा सा बात है, जो फॉलो नहीं करेगा. द टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो द रॉल्स लॉ at any concentration is called non ideal solution. तो बच्चों यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है कि आइडियल तो बड़ा इजी वे में समझ में आ गया कि भाई जो फॉलो करेगा उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, और जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ना, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर, विच डू नॉट फॉलो द रॉल्स लॉ, तब उसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे. अब फॉलो नहीं करने का मतलब क्या हुआ, फॉलो नहीं करने का मतलब हो गया कि उसका वैल्यू जो आइडियली जितना होना चाहिए था उससे या तो ज़्यादा हो जाएगा या तो उससे कम हो जाएगा. यहाँ पर लिख देते हैं, है ना,
फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन इट्स वेपर प्रेशर इज either greater or less than its ideal value. मतलब आइडियली उसका जितना वैल्यू होना चाहिए था वेपर प्रेशर का, या तो उससे ज़्यादा हो जाता है या तो उससे कम हो जाता है, तब हम लोग वैसे सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसका बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे अगर क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को है ना हम एसीटोन के साथ मिला देंगे, तो ऐसा देखा गया क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ मिलाने पर उसका वेपर प्रेशर है ना वो आइडियली जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, उससे ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो यहाँ पे कम हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बोलें इथेनॉल एंड एसीटोन, ये दोनों को जब मिक्स करके देखा गया तब देखा कि भाई वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कहीं कम हो जाता है तो कहीं ज़्यादा हो जाता है, तो कहीं कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए आइडियली जितना होना चाहिए अगर उतना नहीं होता है तब हम लोग उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं। तो दो बातें आपको समझ में आई कि भाई जो सोल्यूशन नॉन आइडियल होगा उसका वेपर प्रेशर या तो आइडियल वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा या तो आइडियल वैल्यू से कम हो जाएगा। तो हम लोग दोनों कंडीशंस में देखेंगे कि भाई जब ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा और कम हो जाएगा तब क्या होगा। तो हम आपको बता दें जिस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर अगर आइडियल वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तब हम लोग उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब वो डेविएशन शो कर रहा है, जाना चाहिए था इसको इस बेसिस पे, और यहाँ पे देख रहे हैं इसका इधर चला गया ग्राफ, किसी का ग्राफ ऐसे नीचे चला गया, तो या तो ऊपर चला गया नीचे चला गया, मतलब या तो ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तो या ज़्यादा या कम होने का मतलब है कि दो तरह का डेविएशन शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग उसको डेविएशन बोलते हैं। मतलब द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेविएशन, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होता है वो दो डिफरेंट टाइप्स का डेविएशन शो करता है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव कहने का मतलब है ज़्यादा, नेगेटिव कहने का मतलब है कम। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट दोनों में डिफरेंस ही आपको लिख देते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरे साइड में लिख देते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको जानना, हम दोनों को डिफरेंस के रूप में ही सारा चीज़ समझा देंगे। अब मान ली एग्जाम में आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो इफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज ग्रेटर दैन इट्स आइडियल वैल्यू, इफ द वेपर प्रेशर जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, इसी को खाली लैंग्वेज में बोलना है, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन इट्स आइडियल वैल्यू देन इट्स शोज पॉजिटिव डेविएशन, एंड इफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज लोअर देन या लेस देन इट्स आइडियल वैल्यू देन इट्स शोज नेगेटिव डेविएशन। लेकिन अब यहाँ पे बात है कि ये कब ऐसा कर सकता है ना, ये कब ऐसा कर सकता है, तो पहला पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना है, शॉर्ट में ही बता रहे, इट्स वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन के केस में, या शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर, या हायर भी बोल सकते हैं, इज ग्रेटर देन इट्स आइडियल वैल्यू। मतलब पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो आइडियल वैल्यू से ज़्यादा होगा, तभी तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। लेकिन नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
है ना, क्या होगा बताओ, इज लेस देन इट्स आइडियल वैल्यू लेस देन इट्स आइडियल वैल्यू। सेकेंड पॉइंट क्या है, इंटरेक्शन याद रखना है। ऐसा कैसे हो सकता है पॉजिटिव डेविएशन कोई भी सॉल्यूशन कब शो करेगा, इसको जरा सा अच्छे से समझेंगे। जैसे हमने बोला ये ए है और ये बी बी है और ये है ए बी, ध्यान से समझना इसको। अगर ए और बी के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो अगर वीक है, ये दोनों के बीच का जो फोर्स है वो अगर वीक है, कमज़ोर है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधा हुआ, तभी तो ये दोनों एक दूसरे के बीच बॉन्ड बनाना नहीं चाह रहा। तो जब ये दोनों हैं अकेले ही रहना अगर ज़्यादा पसंद करता है, मतलब ए बी के साथ बंधना नहीं चाह रहा है, ये दोनों के बीच में इंट्रैक्शन कमज़ोर है, तो ए जो है आसानी से सेपरेट रह जाएगा, बी भी आसानी से वेपर के रूप में बाहर चला जाएगा, ए भी अपने आप वेपोराइज हो जाएगा इजी वे में, क्योंकि इसको बी पकड़े हुए नहीं है, बी उसको इंट्रैक्ट नहीं कर रहा है, और कर भी रहा है तो काफ़ी बिग बॉन्ड से, कमज़ोर बॉन्ड से आसानी से ये वेपर के रूप में बदल सकता है। बी भी आसानी से वेपर के रूप में बदल सकता है क्योंकि ये उसको ज़्यादा स्ट्रांगली इंट्रैक्ट नहीं किए हुए है। बात यहीं पर मेन समझना है, मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी के बीच का जो इंट्रैक्शन फोर्स है अगर कमज़ोर है तो ए इजी वे में वेपर में बाहर निकल सकता है और बी भी इजी वे में वेपर के रूप में बाहर निकल सकता है। तो जब ए इजी वे में वेपर के रूप में आसानी से बाहर निकल सकता है और बी भी बाहर निकल सकता है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या देखा गया है कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस का होता है वो जितना आइडियल होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होने के लिए ए और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो कमज़ोर होना चाहिए, वीक होना चाहिए, तभी जो है ए और बी आसानी से बाहर निकल सकता है। क्योंकि अगर ये दोनों स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच हो गया तो ए न बाहर निकल पाएगा ना बी, क्योंकि जब ए निकलना चाहेगा तो बी उसको रोक लेगा और जब बी निकलना चाहेगा तो ए उसको रोक लेगा। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं द इंट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, देखिएगे ए और बी के बीच का जो इंट्रैक्शन है इज बीकर देन ए ए एंड बी बी, मतलब ए और ए के बीच जो इंट्रैक्शन था, बी और बी के बीच जो इंट्रैक्शन था वो ज़्यादा स्ट्रांग था किसके कंपैरिजन में, ए बी के कंपैरिजन में, तभी जो है ना, क्योंकि कमज़ोर है तभी तो ए और बी आसानी से अलग अलग हो गया और वेपर के रूप में बाहर निकल गया। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव डेविएशन के केस में ए और बी के बीच का जो इंट्रैक्शन है, ए और बी के बीच का जो इंट्रैक्शन है उससे ज़्यादा, उससे क्या होता है, वीकर होता है, ये कमज़ोर होता है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे अगर सेकेंड पॉइंट लिखना हो तो हम बोलेंगे इंटरैक्शन बिटवीन ए एंड बी। देख लो यहाँ पे क्या होगा, वीक होगा क्या, स्ट्रांग, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर को हम कम करना है तभी तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। इंटरैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज, बोलो बी की क्या, स्ट्रांगर देन किससे, ए ए एंड बी बी, ए ए एंड बी बी, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट समझिए, यहाँ पे जब इंटरैक्शन समझ में आएगा तो थर्ड पॉइंट भी समझ में आएगा। अब आइए थर्ड पॉइंट में हम बोल रहे हैं कि अगर डेविएशन पॉजिटिव है तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज, दैट मींस डेल्टा भी जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो से ज़्यादा हो गया। ऐसे चेंज इन वॉल्यूम जीरो होना चाहिए था आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब कैसे हो गया वो जरा सा देख लेते हैं। देखिए ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है बताओ स्ट्रांग है कि वीक है, तो वीक है इसका मतलब इसको तोड़ने में एनर्जी, मतलब ये जब बना होगा तो ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा हीट रिलीज कब होता है, जब स्ट्रांग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हम बोल रहे हैं ये स्ट्रांग नहीं, यही स्ट्रांग है,
तो जब ई स्ट्रांग है तो इसको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा हिट देना पड़ा होगा, ये भी स्ट्रांग है तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा हिट देना पड़ा होगा। इसका मतलब यहां पर ऐसा क्लियर लग रहा है, हम लोग को पहले ही से पता चल रहा है कि यहां पे बनने में ज्यादा एनर्जी नहीं निकल रहा है जितना हम लोग उसमें दे रहे हैं, क्योंकि ये भी स्ट्रांग, ये भी स्ट्रांग, इसका मतलब एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं, निकल नहीं रहा ज्यादा। तो जब एनर्जी दे रहे हैं जितना दे रहे उतना निकल नहीं रहा है, इसका मतलब कि कुछ हीट उसके अंदर सॉल्यूशन के ही अंदर रह रहा है, और जब हीट सॉल्यूशन के अंदर रहेगा तो बताओ हीट की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये वीक है, ये वीक है, लेकिन ये स्ट्रांग है, इसका मतलब स्ट्रांग बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और जब स्ट्रांग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है उतना ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज होता है। ये चीज आपको जो बता रहे हैं ना, आपकी कहीं बुक में नहीं है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, अदरवाइज ये पूरे चीज को जो फिर रट्टा मारना पड़ जाएगा आपको। इसलिए मेन पॉइंट यही है, हमने क्या बोला, एक पॉइंट अगर इसमें समझ में आ गया मतलब आपको सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। तो ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग है, बॉन्ड स्ट्रांग है, इसका मतलब हीट ज्यादा रिलीज हुआ होगा, क्योंकि ये तो कमजोर था तो हम लोग को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ा था, ये भी कमजोर था तो इसका मतलब देना कम पड़ा, निकल गया ज्यादा, इसका मतलब है कि रिलीज ज्यादा हो गया। तो जब रिलीज ज्यादा हो गया इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो हीट है वो कम गया, और जब हीट कम जाता है, ठंडा हो जाता है, तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं इसे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज, दैट मींस जो डेल्टा वी का जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो हो गया। और फोर्थ पॉइंट हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या हुआ कि यहाँ पे हीट, बताइए रिलीज ज्यादा हुआ कि एब्जॉर्ब ज्यादा हुआ, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब ज्यादा हुआ है, तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के द्वारा हीट एब्जॉर्ब कर लिया गया, इसका मतलब है डेल्टा एच का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं हीट ज्यादा रिलीज हो गया, हीट इज रिलीज्ड है ना, बाय द सॉल्यूशन, इसलिए यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, मतलब इंथैल्पी उसका घट गया, इसका इंथैल्पी बढ़ गया। तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब इसका एक जल्दी से ग्राफ बता देते हैं आपको, पॉजिटिव डेविएशन का और नेगेटिव डेविएशन का कैसा ग्राफ होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ग्राफ से हम लोग देख लें कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का कैसा ग्राफ होता है। तो फटाफट हम लोग ग्राफ भी देख लेंगे। देखिए ग्राफ, अगर सॉल्यूशन आइडियल होता, दोनों का ग्राफ एक ही साथ हम लोग देख लेंगे, तो क्यों, दोनों मिलता जुलता है, बस ज्यादा और कम का खेल होता है इसमें। तो अगर सॉल्यूशन आइडियल होता है ना, अगर सॉल्यूशन आइडियल होता तो यहाँ पे देखिए दी, दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, एक का मोल फ्रैक्शन x1, एक का मोल फ्रैक्शन x2। आपको मालूम है जब ये होगा 0 तो ये होगा 1, और ये होगा 1 तो ये होगा 0। आपको बताया था कि इसका वेपर प्रेशर अगर P0 1 है, इसका वेपर प्रेशर अगर P0 2 है, तो इसका जो ग्राफ खींचेंगे आइडियली इसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, देख लीजिए आइडियली इसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, दिस इज P1 प्लस P2, आपको पहले भी बता दिए हैं रॉल्स लॉ में, दिस इज P1 प्लस P2। लेकिन हमने क्या देखा कि दोनों का ए और बी को जब हमने मिक्स किया तो यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी कर देते हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देख लेंगे इसका ग्राफ जो होगा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल वैल्यू से, तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम ऐसा करके दिखाएंगे, होना चाहिए था ये, लेकिन वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसका भी इधर से वेपर प्रेशर ये होना चाहिए था, इधर से भी ज़्यादा हो गया। बताओ अब जब P1 भी ज़्यादा, P2 भी ज़्यादा, तो फाइनल जो वैल्यू होगा P का वो भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका ग्राफ देखिए इस टाइप से हो जाएगा, है ना, नॉर्मल वैल्यू से देखिए सब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है। इसमें दिस इज x1 = 0, x2 = 1, दिस इज वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन है, x1 = 1, x2 = 0। आइडियली यहाँ भी वही चीज़ है, दिस इज P0 1 एंड दिस इज P0 2,
आइडियली इसका ग्राफ भी ऐसा होना चाहिए था, देख लीजिए, ऐसा होना चाहिए था बिल्कुल एकदम सीधा अगर ये आइडियल सोल्यूशन रहता तो। लेकिन यहाँ तो क्या देख रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव में वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए उससे कम हो जाता है, तो कम हो जाएगा इसका मतलब इसका ग्राफ थोड़ा नीचे हो जाएगा, देख लीजिए इसका भी वैल्यू थोड़ा नीचे हो जाएगा, होना चाहिए था इससे देखिए नीचे हो गया, और जो फाइनल वैल्यू जब ये भी कम हो गया ये भी कम हो गया मतलब P1 भी कम P2 भी कम तो फाइनल वैल्यू भी तो कम ही आएगा ना, इसका मतलब फाइनल जो ग्राफ होगा इसका ऐसा। तो ये है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को ग्राफ के थ्रू भी हम लोग देख लिए। तो चलिए आप लोगों को आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसमें जल्दी से हम लोग देख लें एक पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियल नॉन आइडियल, सबको कंप्लीट हो गया, बाकी अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न होगा तो आप हमको पूछ लेंगे, है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बुक में आप देख लेंगे। इसके बाद एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या होता है ये हम लोग जरा सा देख लें। देखिए एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं जिसमें जब हम लोग किसी सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट को जब मिलाते हैं तो दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो कांस्टेंट हो जाए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, जैसे ये HCl है और ये वाटर है H2O है, मान लिया इसका तो सबको मालूम है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लिया 70 डिग्री है, 70 नहीं कम ही होगा एक वैल्यू मान लेते हैं। तो जब ये दोनों अलग अलग है, देखिए H2O अलग है HCl अलग है, जब ये दोनों प्योर फॉर्म में है तब ये दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग, एक 100 डिग्री पे बॉयल करेगा तो एक 70 डिग्री पे बॉयल करेगा। लेकिन जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, H2 और HCl को जब एक साथ मिक्स करके अगर कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो ऐसा देखा गया है कि HCl का कुछ डेफिनेट अमाउंट मिलाने के बाद HCl का अमाउंट मिलाते गए और एक डेफिनेट अमाउंट मिलाने के बाद ही दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो सेम हो जाता है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है। तो जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है तो वैसे है ना सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। तो ये बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस आप देखे गए हैं, जैसे HCl का कितना हम इसमें अमाउंट मिलाएं कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए, तो याद रखना है इसका ये वैल्यू पूछ देता है 20.2%, मतलब उसमें 20.2% HCl रहेगा और बाकी उसमें वाटर रहेगा, है ना 79.8% के आसपास उतना वाटर बाकी इसमें HCl, दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे तो दोनों जो है ना दोनों का जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो एजियोट्रॉपिक, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा। 95% इथेनॉल इथाइल अल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन ये भी जो है ना ये एजियोट्रॉपिक है, मतलब 95% इथेनॉल होना चाहिए 95% और 5% जो उसमें वाटर होना चाहिए, तो 95 भाग इथेनॉल का है और 5 भाग वाटर का है, ये दोनों को अगर एक साथ मिक्स करेंगे तब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है। मतलब सीधा सीधा बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक डेफिनेट अमाउंट मिलाने के बाद अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है तब वैसे सॉल्यूशंस को हम लोग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहते हैं। द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच आफ्टर मिक्सिंग द सॉल्यूट और सॉल्वेंट इट्स बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। और एजियोट्रॉपिक जो सॉल्यूशन होता है उसमें एक और बात आपको ध्यान में रखना है, जो सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक होता है उसको हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। डिस्टिलेशन प्रोसेस करने का मतलब वेपोराइज करके आप चाहिएगा कि दोनों को हम अलग अलग कर दें, बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि दोनों का तो बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया, तो जैसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा तो ये भी वेपर में बदल जाएगा, ये भी वेपर में बदल जाएगा, तो आप कैसे अलग करेंगे। इसलिए जो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन होता है उसको सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। द एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस, इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक डेफिनेट अमाउंट मिलाने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है। द टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर मिक्सिंग अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक, ये तो हो गया डेफिनेशन।
एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, दो तीन एग्जाम्पल अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात और भी ध्यान में रखना है कि जो सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक होता है उसको हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस सेपरेट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जब सेम ही हो जाता है तो एक अगर बॉइल करना चाहेगा तो दूसरा भी बॉइल करने लगेगा, तो फिर दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो दो तीन हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम में आता है। एक तो हमने बोला 20.2% एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, HCl का इतना परसेंट जो सॉल्यूशन है वो एजियोट्रॉपिक होता है। 95% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, याद रखना है भी, इथेनॉल का 95% सॉल्यूशन जो एक्वस जो होता है, एक्वस का मतलब उसमें वाटर मिला हुआ है, तो 95% इथेनॉल 5% वाटर के साथ अगर मिला दिया जाए तो भी एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन होता है। या 68% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का 68% जो सॉल्यूशन है वो भी देखा गया एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट करके कि वो भी जो है ना वो एजियोट्रॉपिक होता है। तो ये सब जो सॉल्यूशन है वो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पकड़ होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो अभी हम इस चैप्टर तक यहीं पे रहने देते हैं, इसके बाद हम आपको आइडियल नॉन आइडियल एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ये सारा चीज़ नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन अभी हमने ये सारा चीज़ इसमें डिस्कस किया है। इतनी सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई आपको कॉन्सेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन अगले वीडियो में होगा। तब तक इस वीडियो को देखिए, इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है तो हमसे पूछिए। थैंक यू।